बहुत तरीके की इडली खाई होगी आपने, पर आज चलो बनाते हैं ढोकला इडली। तो सबसे पहले ना इसका बैटर बनाने के लिए आपको सूजी, दही और बेसन को मिक्स करना है। उसके अंदर हल्दी, चीनी, नींबू डाल के एक घंटे के लिए रख दीजिए। नमक भी डालिएगा, भूल मचाना। उसके बाद ना इडली के सांचे में आप स्टीम कर लीजिएगा, इडली बन जाएगी। हम यहाँ तड़का रेडी कर रहे हैं। तड़के के लिए मैंने घी लिया है। घी गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर सरसों डाल दिया। सरसों के बाद मैंने हरी मिर्ची और करी पत्ता को डाला है इसके अंदर, और थोड़ा सा मैं तिल भी यहाँ डाल रही हूँ फॉर अ क्रंच, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है तिल का भी। तो मैं यहाँ पर एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से खाना भी बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है वीडियो, डोंट माइंड, इग्नोर कर देना। इसके बाद अच्छे से इसको फ्राई करना, जलाना मत प्लीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल जाता है, जल्दी जल जाता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक का पानी डाल दिया। उसके बाद मैंने इडली, सारी इडली इसके अंदर डाल दी। उसके बाद हम इसको अच्छे से सॉटे करेंगे, फ्राई करेंगे, और लास्ट में हम इसके अंदर ना नींबू और चीनी का जो घोल होता है, जो मिक्सचर होता है, वो डालेंगे। आप चाहे तो इडली को छोटे छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ये ढोकला इडली है इसीलिए। तो पहले इसको बिना चीनी घोल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चीनी और नींबू का जो घोल है उसको, बैटर जो भी मिक्सचर है उसको अच्छे से उसमें मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि सब में इक्वली वो बढ़ जाए। और बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनी थी ढोकला इडली, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। बहुत हेल्दी होता है और सुबह जल्दी भी बन जाता है। और मैंने साथ ही में टमाटर की चटनी बनाई थी क्योंकि धनिया नहीं था। तो सो कैसी लगी आपको ढोकला इडली ज़रूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।